मैं आप लोगों से पहले एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद तो पढ़ाई की ओर हम लोग फिर से चलते हैं। चलिए दोस्त बताइए, अच्छा अपने हाथों में ये जो उंगलियां दी गई है, क्या इनका काम जानते हो, नाम जानते हो कि नहीं, पहले ये बता दो। क्योंकि अगर नाम नहीं पता होगा, क्योंकि अपने शरीर का एक ही अंग है, क्या है भाई साहब, अंग है। जब अपने शरीर का ये अंग के बारे में नहीं पता होगा, कौन बताएगा लड़का, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा ये सभी उंगलियों का नाम? उधर वाले में कितने उंगली होते हैं अपने पास? चार उंगली और एक थंब होते हैं। तो पहली बात, पांच उंगली नहीं होते हैं, कितने उंगली होते हैं? चार उंगली। कोई पूछेगा दोनों हाथ में कितनी उंगली होते हैं, तो कितने, आठ उंगली और दो थंब। गलत मत उत्तर दे देना, ठीक है, चले आगे। बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन तो ऐसा ही आपका लग गया कि सर जी अभी हम जानते थे कि दोनों हाथ में 10 उंगली होता है, आप तो बता दिए 8। देखो भैया, दो ठो थंब होता है और चार चार कितने हो गए। तो आइए हम थंब और सभी उंगलियों की बात करते हैं। इंग्लिश में बताएं, हिंदी में बताएं कि बोथ, दोनों एक साथ? ठीक है, अच्छा बैठ जाइए और चलते हैं आगे की ओर। अच्छा सबसे पहले हम फिंगर बना लेते हैं। इतना मोटा 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 हाथ रहता है। ए भाई, ये हाथ बड़ा गड़बड़ बन रहा है अभी, ये हाथ नहीं है, हाथ हाथ बन रहा है खरगोश। ये कभी खरगोश बन रहा है यही लेकिन। ये हो गया अपना हाथ, क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया अपना हाथ की हाथा है, हाथ है हाथा नहीं है। ये अपने पास हाथ बना दिया गया है और इस हाथ में पांच उंगलियां हैं, पांच उंगलियां की चार उंगलियां हैं, चार उंगलियां हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं थंब, क्या बोलते हैं दोस्तों, थंब। कितने लोगों को पता है यह थंब होता है? चलो सब लोग, ये तो पहचान सबको पता है। और लेकिन इस वाले उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्यों लिटिल फिंगर भाई बोलते हैं? क्योंकि ये उंगलियों में सबसे छोटी उंगली यही है ना, इसलिए इसका नाम बताओ क्या है? LITTLE, अल ई लिटल फिंगर। कौन सा फिंगर? लिटल फिंगर है। अगर दोस्त इसकी बात करें तो अपने पास ये कौन सा फिंगर है, कैसे पता चला रिंग फिंगर है ये? क्योंकि जब शादी होगा आपको तो पहली पहली बार में लेके वही अंगूठी क्या डालेंगी, अंगूठी कहाँ डालेगी? चोट लगा रहेगा तो मत पहनिएगा, नहीं कहेगा आधा लंट है। ठीक है ना, रिंग फिंगर है, तो असलियत में रिंग इसी में पहनाया जाता है एंगेजमेंट के दौरान। तो बताइए अक्सर अंगूठी किस में पहना जाता है? इसमें। तो इसी का नाम क्या रखा गया है? हाँ, तो रिंग फिंगर ये आपके हिसाब से नहीं रखा गया कि जो उन्हें मन करे तो उन्हें उंगली में पहन ले, जब इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट के दौरान जब का जो अंगूठी पहनाया जाता है, इस हाथों में पहना जा इस उंगलियों में पहनाया जाता है, जिसके वजह से इसका नाम रख दिया गया है रिंग फिंगर। क्या रख दिया गया भाई साहब? इसे हम लोग बोलते हैं रिंग फिंगर। क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। अगर हम बात करें ये अपने पास जो है, तो इससे सब लोगों को पता है कि बीच में यही है अपने पास, दो इधर से छोड़कर ये कहाँ है, बीच में है, इसे बोलते हैं मिडल फिंगर। क्या बोलते हैं भाई साहब? चलो इसका भी नाम जरूरी है, तो आते हैं इसका बात करते हैं। MIDDLE, मिडल फिंगर। कौन सा फिंगर? चलो अपने पास एक और है, सब लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं अगर लड़ाई हो रहा है, किसी को हाथ दिखाना होता है, तो झगड़ा जब भी होता है तो भैया सब बहुत शांति से रहना, नहीं तो इतना मारेंगे ना तो बुद्धि पूरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई साहब? तो ये तरीका अपना गलत है, लेकिन ध्यान रखना यहीं से पूरी एनर्जी निकलती है, सबसे खतरनाक उंगली है, तो पूरे उंगलियों में से यही उंगली खतरनाक है। जब भी कुछ होता है स्कूल में तो याद है ये वाला, याद है, भूल गए याद है। सर जी ई वाला, तो सर जी जा ई वाला तोहरे लगल हो जा नथन सर जी। हाँ सर जी समझ जा लेन का भाई साहब, यही वाला उठा था, ऐसे उठा ला, ऐसे ना उठा, हम दिक्कत हो ए सर जी ई वाला। तो सर जब भी उंगली उठेगा तो कौन वाला, ई वाला, कौन वाला, ई वाला, ई वाला, वो वाला सर जी समझ जा लेन का होता है।
दूसरी बात, और कहीं अगर कोई ऐसा कोई अपने पास लताएं हैं, लताओं की ओर अगर इंडिकेट करके दिखा रहे हो, देखो ये लौकी है तो लौकी सूख जाएगा, पहली बात। वृक्ष है तो वृक्ष सूख जाएगा, बहुत खतरनाक उंगली है ये। अगर आपने लौकी की ओर इंडिकेट करके दिखा दिया, देखो लौकी है, लौकी हर सचमुच में सूख जाएगा, इतना ये खतरनाक उंगली है, जाके आजमा सकते हो आप अपने घर भी, तब नहीं होगा। यही है पूरी एनर्जी, ये सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास होता है। हाँ, इसलिए कोई लौकी है या कद्दू है, कोहरा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसकी ओर कभी ऐसे इंडिकेट मत कर देना, नहीं तो गलत तरीका में ये फंस जाओगे, अर्थात वो आपका सूख जाएगा, और दूसरे का तब तो फायदा हो जाएगा, सूख गया तो वो नहीं खा पाएगा, शायद यही करते होंगे। ऐसा नहीं काम करना, सुखवाना नहीं किसी का, ठीक है ना। अपना लगा के खुद एक बार ट्राई करिएगा, देखो सूखता है कि नहीं सूखता है, ठीक है ना। और पहली बात, किसी को अगर हमें इंडिकेट करना है तो ऐसे कभी इंडिकेट मत कर देना, क्योंकि यह गलत तरीका है, ऐसे मत करिएगा। क्योंकि अगर कहते हो एक इधर भाई सब रास्ता इधर जाएगा क्या, ऐसे फटाक से ऐसे करने में क्या होता है, आपको आसानी होता है, क्योंकि आपका आदत पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है आपका? आदत पड़ा, इसलिए हम फटाक से ऐसे दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास चार रास्ते पता था, कितना रास्ता, चार रास्ते पते हैं, लेकिन इनमें से हम उसको एक बता रहे हैं, कितने बता रहे हैं, केवल एक रास्ता बता रहे, बाकी तीन अपनी ओर कर ले रहे हैं। वो बुरा है, इसका क्या मतलब, वो बुरा है लेकिन आप सबसे बुरे हैं, मतलब वो एक बुरा है तो आप कितने बुरे हैं, तीन बुरे। आप तीन उंगली किसके ओर है, आपकी ओर है, तीन उंगली आपकी ओर है, इसलिए आप सबसे खतरनाक तरीके से बुरे हो गए। मतलब उसकी बुराई कर रहे हो, देखो बुरा आदमी है तो बुरा तो है, लेकिन आप सबसे खतरनाक बुरे हैं, समझ में आया ना। तो जब भी इंडिकेट करना है तो आपको ऐसे करना है, पांच उंगलियों को एक साथ, चार उंगलियों को एक साथ यूज करना है। जब भी कोई रास्ता बताना है, देखिए हम जब भी बातें करते हैं हम ऐसे कभी नहीं करते हैं, इसलिए जब भी मदद लेते हैं तो सबका ये चारों फिंगर पांचों फिंगर एक साथ रहते हैं, ओपनली रहते हैं। तो आइए, इस फिंगर का नाम इसीलिए इंडिकेटर फिंगर होता है, इंडिकेट फिंगर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को, इसी तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो इसी का नाम पड़ गया इंडिकेट फिंगर। तो इंडिकेट का मतलब होता है संकेत देना, और इंडेक्स का मतलब भी होता है संकेत देना। तो आइए छोटे से शब्द को उठाते हैं, इंडेक्स क्या होता है भाई साहब, इंडेक्स, इंडेक्स इसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो आइए अगर हम बोले थंब को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो सभी लोग बोलेंगे सर इसका मतलब होता है अंगूठा। क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, अंगूठा होता है। अगर हम आपसे पूछे इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे तर्जनी होता है सर। क्या होता है भाई साहब, तर्जनी। क्या होता है, तर्जनी। अगर मिडल फिंगर की बात करें तो इसका मतलब मध्यमा। क्या होता है, मध्यमा होता है भाई साहब। अगर हम बोले रिंग फिंगर का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे अनामिका होता है। क्या होता है भाई साहब, अनामिका होता है। और हम बोले लिटिल फिंगर का मतलब क्या होता है, कनिष्ठिका होता है। क्या होता है भाई साहब, कनिष्ठिका या कनिष्ठिका, दोनों सही है, ठ बनाओ चाहे ट बनाओ सब सही है, ठीक है ना। कनिष्ठिका दोनों सही है, कनिष्ठिका दोनों सही है, जो मन में आए दोनों बनाइए, दोनों का दोनों सही है, जो इच्छा करे नाम ही रखा गया है। तो पांचों उंगलियों का नाम हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं पाम। पाम माने हथेली, पी ए आल एम, समझ में आ रहा है ना। तो इसे पाम बोलते हैं, और अपने पास ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिस्ट कहलाएगा। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू आर आई एस टी, रिस्ट माने कलाई होता है। क्या होता है दोस्तों, कलाई होता है। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाला पार्ट, ये वाला क्या कहलाता है, पी ए आल एम, पाम कहते हैं। पाम माने हथेली। क्या होता है भाई साहब, इसे कहते हैं हथेली। क्या कहते हैं, हथेली। तो ये सब तो पता होना चाहिए ना, हथेली। तो ये उंगलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, उंगली के सबका संकेत अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो खासियत होता है, अगर अपने पास देखिएगा, ये उंगली से ही खासियत देखे जाते हैं। अगर उंगलियों में आपका ये देखिएगा, कई लोगों का ना ये बड़ा इससे होगा, और ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। कई लोगों का ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। कई लोगों का क्या, दोनों का दोनों बराबर होगा, और कई लोगों का ये दोनों बराबर होगा, तो कई लोगों का ये दोनों बराबर होगा। तो सबका रीजन अलग अलग है भाई साहब। और इसमें से सबसे जो खतरनाक होता है वही वाला होता है, अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, ये इस वाले से ये बड़ा होता है तो समझ जाइए। बताना तो नहीं चाहिए, बताना चाहिए,
तो वह सनकी टाइप के होते हैं व्यक्ति। कैसे होते हैं? सनकी टाइप के होते हैं, वो अपना जिद मनवा के ही रहते हैं, वो उनको वो जिद्दी होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी बात को जब से मनवाएंगे नहीं तब तक सही नहीं होंगे ये ठीक ठान लेते। जैसे हिटलर का नाम सुना था आपने? हिटलर का यही उंगली इतना बड़ा था कि पूछिए मत, ये इससे काफी ज्यादा बड़ा था। तो हिटलर ने क्या किया? जिद्दी था भाई साहब, वो क्या था? जिद्दी था, इतना जिद्दी कि पूछिए मत। और सबसे बड़ा वो सनकी होते हैं, अपनी जब से बात नहीं मनवाएंगे तब तक कुछ होने वाला ही नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों बराबर है तो समझ जाए उसका कुछ और रिजल्ट निकलता है। और वैसे ज्यादातर देखा गया सबका बराबर ही आता है, ज्यादातर 70% लोगों का बराबर ही आता है। क्योंकि अगर 70% लोगों का बराबर है तो ध्यान रखिएगा ये बहुत भावुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं दिल के, बहुत दयावान होते हैं ये, इनके अंदर बहुत गुण होता है। फिर ये नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। आपसे पूछे कि जितने भी अपने पास फिंगर या थंब है ये सभी के सभी कहां से अटैचमेंट है? सब के सब अपने शरीर दिमाग मस्तिष्क अत पीत जितने हैं सब यहीं से अटैच है। अगर किसी को गैस बन रहा है, किसी का अगर सर दर्द कर रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो सब अगर अपने पास यही पांचों उंगलियों का ही इलाज होता है। और अगर आप हाथ का एक्सरसाइज बराबर करते हैं, सभी उंगलियों का मसाज, तो आप तो रोगी होंगे ही नहीं होंगे। सभी उंगलियों का मसाज बराबर, तो और शरीर में दर्द बन रहा है तो ऐसे उंगलियों का धीरे धीरे ना बैठे बैठे अपना ऐसे कुछ ना कुछ उंगलियों का मसाज किया करिए, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ठीक है, अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं, अभी खाली ये नोट करिए, उसके बाद चलते हैं आगे।